इस वीडियो में हम लोग यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ पॉइंट पे बात करने वाले हैं, और जो लोग अभी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है आय जात निवास जो है बनवा लेना है, क्योंकि 3 साल तक आपका जो है वही वैलिड रहेगा। उसके बीच में अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो एडिट नहीं हुआ, इसलिए आप जो है फॉर्म भरने से पहले बनवा लीजिए ताकि 3 साल तक आपका जो है चलता रहे। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 साल पहले बना होता तो कहते हैं अभी हमारा जो है आजाद 2 साल तक वैलिड है, ठीक है। तो 2 साल तक आपका वैलिड रहेगा, उसके बाद 3रा साल जब आपका लगेगा तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपको और सब तो पता होगा कि जो है लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने की, तो इसकी डेट जो है फॉर्म भरने की वो तो बढ़ती रहती है, अभी बहुत दिन तक ये लगभग नवंबर दिसंबर तक जाएगी। बाकी जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं तो उनको जो है रिन्यूअल करना होता है, उसके बाद जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे नए एडमिशन है तो उनको फ्रेश भरना होता है, ठीक है। और कोई अगर इस यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आपको कुछ पॉइंट पे सवाल है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।